होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो चलिए आइए जानते हैं बीटीएससी की न्यूज़। और आप सभी जानना चाह रहे होंगे कि सेकेंड वीक आ गया है और जो 23+ का जो पूरा वैकेंसी प्रोसेस था जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन और काउंसलिंग शामिल है, तो वो क्यों नहीं हो रहा। तो ये तो क्वेश्चन एक बहुत बड़ा रीज़न है। सेकेंड वीक हो चुका है और मतलब आप समझिए आज लास्ट डे ही है और फिर भी कोई कुछ भी ऐसा जानकारी नहीं आया है। बीटीएससी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे हम ये कह सकते हैं कि आगे का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होगा और इसमें हो सकता है और लंबा टाइम खींच जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 तारीख को बीपीएससी का एग्ज़ाम है और क्योंकि उस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है तो वैसे में काउंसलिंग प्रोसेस नहीं रखते हैं। वैसा कोई भी चीज़ में काउंसलिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा जहां त्यौहार आ जाए या फिर और कोई दूसरी चीज़ें हों, जैसे कि कोई एग्ज़ाम हो ऑल स्टेट, मतलब ये एक स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन है, तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए तो यहाँ मुझे नहीं लगता। और उसके बाद फिर चुनाव है जो वार्ड का जो होता है वो सब है थोड़ा बहुत, तो उसमें भी प्रॉब्लम है, इसीलिए शायद अभी तो नहीं हो पाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सेकेंड क्या इनकी पोजीशन रहती है, ये किस तरीके से इस काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और 23+ को लेते हैं। क्योंकि 23+ में हाई कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया है कि क्यों इनका जो काउंसलिंग और ऑनलाइन प्रोसेस है वो क्यों नहीं लिया जा रहा है। इस पर भी कोर्ट ने क्वेश्चन किया है और आई होप कि बहुत जल्द इसका कोई निपटारा हो और जैसे ही कुछ और अपडेट्स आएंगे हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है जो मैं आपसे शेयर कर पाऊँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरकार बदली तो कुछ खास नहीं है, वही लोग हैं पुराने, लेकिन हाँ स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो तो बदल गए हैं, अब हम उन्हीं पे डिपेंड कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, कुछ बच्चे गए थे उनसे पूछने के लिए कि क्या आगे की प्रोसेस है और कितनी जल्दी इसका निपटारा होगा, क्योंकि जितने भी मतलब मान लीजिए अगर मंगल पांडे ही थे तो वो भी यही कहते थे कि 45 डेज में हो जाएगा, एक आश्वासन देते थे। और वही कार्य जो है वो तेजस्वी जी भी कर रहे हैं, तो कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या प्रोसेस होगा, हमें इंतज़ार करना होगा और इंतज़ार के सिवाय और कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि आप जाके बात कर सकते हैं, तो बात तो हुई है, बहुत लोगों ने की हुई है, उसका भी कोई नतीजा नहीं है, तो थोड़ा इंतज़ार हमें करना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि क्या इनकी जो है आगे की प्रोसेस होगी।